अगर आप भी सोरासिस से पीड़ित हैं और आप स्टीरॉयडल एप्लीकेशन लगाते जा रहे हैं जिसकी वजह से शायद स्किन डैमेज हो रही है, सेंसिटिविटी बढ़ रही है और जैसे ही क्रीम लगाना छोड़ते हैं वैसी बीमारी बढ़ के आ जाती है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ऑयल्स आप नेचुरल तरीके से यूज़ कर सकते हैं या कैसे नेचुरल ऑयल्स का यूज़ करें जिससे आपकी स्किन डैमेज ना हो, लंबे समय तक वो अच्छी बनी रहे, सेंसिटिविटी ना बने और आपका सोरासिस भी ठीक होते रहें। तो नमस्कार, मैं मेघा चतुर्वेदी आज आपको सही गाइडेंस देने आई हूँ रिगार्डिंग योर एप्लीकेशंस। तो मैंने क्या देखा है अपने एक्सपीरियंस में, पेशेंट ज़्यादातर स्टीरॉयडल एप्लीकेशन ही लगा के आ रहे होते हैं और जिसकी वजह से उनकी स्किन सेंसिटिव भी होती है और जैसे ही वो लगाना छोड़ते हैं बीमारी बढ़ के आ जाती है और यहाँ तक कि स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं स्किन पे और इतनी पतली स्किन हो जाती है कि अगर वो मुझसे भी टच हो जाए तो कट लग सकता है, इतनी सेंसिटिविटी बन जाती है। ऐसे में आपको स्किन को डैमेज नहीं करना है। अगर आपको सोरासिस है तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल तरीके से या नेचुरल एप्लीकेशन करके अपने पैचेस को स्मूथ करें या अपनी इरिटेबिलिटी को ख़त्म करें। उसके लिए आप कोकोनट ऑयल प्रेफर कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल ठंडा होता है तासीर में और मैक्सिमम लोगों को सूट करता है। इसमें विटामिन ई भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी जितने भी रिएक्शन चल रहे हैं स्किन में उनको वो काम डाउन कर देता है। हमने भी जब भी कोई स्किन रैश हुआ है या कुछ भी स्किन पे एलर्जी हुई है तो सबसे पहले नारियल तेल लगाया है। तो नारियल तेल आपको लगाना है और चाहें तो उसमें आप कपूर, कुछ पीसेस ऑफ कैम्फर कपूर के मिक्स कर सकते हैं जिससे आपकी इरिटेशन, फ्लेकिंग, ड्राइनेस कंट्रोल हो जाए और स्किन की इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। नंबर टू, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का सेवन भी कर सकते हैं। अब मेरी वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि ऑलिव ऑयल तो गर्म होता है तासीर में, तो ये ऑयल हम क्यों यूज़ करें? वेल, जिनको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाए और जितनी भी इरिटेशन बनी हुई है, इचिंग है, ड्राइनेस है, वो कंट्रोल हो जाए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलिव ऑयल स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है और नेचुरल है। अगर उसका सोर्स नेचुरल है, कोई भी एडेड नहीं है, एडेड फ्लेवर्स या एडेड कुछ भी आर्टिफिशियल एडिंग कुछ भी नहीं हुआ है और वो नेचुरल सोर्स से आ रहा है, तो वो आपके सोरासिस के पैचेस को भी रिलीव करेगा क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड जितने भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, चाहे वो स्किन पे क्यों ना हो, और उसके एप्लीकेशन से आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। अब इन ऑयल को यूज करने का एक बेनिफिट है कि लॉन्ग रन में आप यूज करते रहेंगे, स्किन पे कोई डैमेज नहीं आएगा, सेंसिटिविटी नहीं बनेगा, स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनेंगे और शायद आप स्टीरॉयडल एप्लीकेशन से बच जाएंगे। तो अगर आप बचना चाह रहे हैं तो आप यूज करके देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये कितना यूजफुल है और जितने भी आसपास आपके पेशेंट सोरासिस के हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि वो अपनी स्किन को बचा सके और अपने सोरासिस को ठीक कर सके।